मैं अंकित सिंह केकेलाई नीब से आज हम मौजूद हैं गोमती नगर सेक्टर 4 में। यहाँ पे माता रानी का भव्य दरबार लगा हुआ है और हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। उन्हीं के बीच में हम एक शख्सियत मौजूद हैं, मिस्टर सागर जी। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। और सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे की। मेरा नाम सागर है, मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ। आपने बात जर्नी की है, मैंने जब शुरुआत की है की, पिछले 5 वर्ष पहले मैंने 2012 में शुरुआत की थी और प्रॉपर शुरुआत नहीं हो पाई थी, इतना फेमस नहीं हो पाया, प्रोग्राम नहीं मिलते थे। तो 2013 से मेरी प्रॉपर शुरुआत हो गई। कानपुर का रहने वाला हूँ, लखनऊ पहला शो किया तो लखनऊ बहुत पसंद आया और फिर 5-6 साल में लखनऊ में कब्जा कर लिया है। सर, अभी हम इस फील्ड में नए हैं तो हमें आप क्या गाइड करना चाहेंगे ताकि हम भी आपकी तरह अपना इस लाइन में गाइड फील्ड में। सबसे पहले तो अगर मैं गाइड करूंगा कि आपका जिस काम में भी रुझान है उसमें ध्यान देगा, इसमें रुझान है तो पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दे इसी के लिए। जितने हो सके बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज के अपने इंस्पिरेशन के वीडियोस देखे जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और कोशिश करिए कि हर किसी से खुल के बात करें, वर्ड्स क्लियर हो, चीजों की नॉलेज हो, करंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ी सी नॉलेज की आपको। एक्चुअली सर ये है कि अभी हम जैसे आपसे मिलने आ रहे थे तो एक हेजिटेशन थी महसूस होती है जब किसी के सामने जाते। सर ये चीज तो कभी नहीं खत्म होती है। अपने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान जी भी कहते हैं कि कभी उनको अगर बड़े स्टेज पे जाना होता है तो थोड़ी देर पहले उनको भी हेजिटेशन होती है। बट क्या है, जैसे ही आप स्टेज पे कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने अपने घर में कदम रखा है। आप स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है, कादर खान जी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि आप माँ की गोद में आके बैठ गए हैं, तो पूरा डर खत्म हो जाता है। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे।